हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि एक नाराज पत्नी अपने पति के अगेंस्ट कौन से मुकदमे लिखा सकती है। यानी कि जब भी आपका और आपकी पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल विवाद हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट कौन से केसेस लिखा सकती है, उनमें आपको कितनी सजा होने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब भी आपका आपकी पत्नी के साथ मैट्रिमोनियल विवाद होगा, आपके बीच में कुछ अनबन हो जाएगी, जब पुलिस स्टेशन तक बात पहुँच जाएगी तो आपके मन में ख्याल आते हैं आखिरकार ऐसे कौन से केसेस हैं जो मेरी पत्नी मेरे अगेंस्ट लिखाएगी, उसमें मुझे क्या पनिशमेंट होने वाली है, सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल में दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला मुकदमा जो जनरली पत्नियाँ अपने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ यानी कि अपने पति के घर वालों के खिलाफ जो लिखाती हैं वो सबसे पहला मुकदमा होता है 498A का। अब 498A को लेकर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों के मन में ये होती है कि 498A का मुकदमा जो है वो दहेज से संबंधित है, लेकिन मैं आप लोगों की कंफ्यूजन और मिथ को जो यहाँ पर दूर कर देता हूँ कि 498A का मुकदमा बिल्कुल भी दहेज से संबंधित नहीं है। इसको कंसर्न किया गया है घरेलू हिंसा से, यानी कि मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना से संबंधित ये मुकदमा है। इस सेक्शन में कहीं पर भी दहेज शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं किया गया है, इसलिए अपने मन से कन्फ्यूजन निकाल दें। ये बिल्कुल मारपीट लड़ाई झगड़े का मुकदमा है, 498 है। इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट होती है पति और उसके फैमिली वालों को अगर आरोप साबित होते हैं। लेकिन ऐसे मुकदमे मैं आपको बता दूं 99% फेक होते हैं और ये चलने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये मुकदमे बहुत लंबे होते हैं, ट्रायल इनका बहुत लंबा चलता है, तो दोनों पार्टी अपनी जवानी कोर्ट में नहीं बिताना चाहती हैं, इसलिए वो मौके पर सेटलमेंट करके चीज़ों को विड्रॉ कर लेते हैं और आगे हट जाते हैं। कन्विक्शन का रेशियो इसमें बहुत कम है, यानी कि सजा इसमें बहुत कम मिलती है, बहुत रेयरली किसी को सजा होती है। हालांकि इतने भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन से कंप्लाई नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे, पुलिस वाले बुला रहे हैं तो उनके लेटर्स को आप जवाब नहीं देंगे तो वो आपको नॉन कंप्लायंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आरोपों में गिरफ्तार करके जेल भी भेज सकते हैं। अब दूसरा मुकदमा जो जनरली पत्नियों द्वारा किया जाता है वो दूसरा मुकदमा बेसिकली है 406 IPC में। यानी कि लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इस मुकदमे का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन से संबंधित है, लेकिन इसका तात्पर्य स्त्री धन से ही केवल नहीं है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। यानी कि आपके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई सामान दिया गया, वस्तु दी गई कि आप उसका उपभोग करिए और उसके बाद मुझे एक नियत समय बाद वापस दे दीजिएगा, लेकिन वो सामान उसके द्वारा लौटाया नहीं जाता है, तो ऐसी कंडीशन में 406 का मुकदमा जनरली वाइफ द्वारा किया जाता है कि उनका जो भी सामान था, उनकी ज्वेलरी थी, उनके जो भी मायके से उनको गिफ्ट मिले हुए थे, चाहे बेड हो, सोफा हो, डाइनिंग टेबल हो, जो दुनिया भर के नौटंकी वो लोग लिखाते हैं काउंसिल में एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं, वो सारा का सारा वो उसको स्त्री धन के तौर पे कंसिडरेशन में लेके आते हैं और उसके लिए वो 406 IPC का मुकदमा करते हैं और इसमें भी आपको 3 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। उसके बाद जनरली जब 498A लिखाया गया तो मारपीट के एलिगेशन भी लगाए गए होंगे, तो 323 में भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। 323 का मतलब हो गया कि हल्की मारपीट के मुकदमा होगा आपके ऊपर, हल्की मारपीट आपने की है जिसमें बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं हुई, हड्डियाँ वगैरह नहीं टूटी हुई हैं, हल्की केवल मारपीट हुई है, थप्पड़ वगैरह लगा दिया या छू दिया या इशारे कर दिए, इस कंडीशन में 323 लग जाती है। उसके अगला मुकदमा करा जाता है 504 का। 504 का मतलब ये हो गया कि किसी महिला को जो है महिला द्वारा गाली गलौज करना, उसको धमकियां देना, इसमें 2 साल की सजा हो जाती है। उसके बाद 509 जो है, मतलब 504 बेसिकली सास और पर लिखाया जाएगा, ननद पर लिखाया जाएगा, ठीक है। 509 जो होगा ससुर पर या देवर पर लिखा दिया जाएगा कि जो है गाली गलौज करी, अपमानजनक बातें करी, इसके लिए भी उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। कई कई बार आप लोग देखते हैं कि हल्की मारपीट हुई लेकिन पत्नी ने आरोप लगा दिया कि मेरा गर्दन इनके द्वारा दबा दिया गया, तो उस कंडीशन में 307 के एलिगेशन लगा दिए जाते हैं और 307 का एलिगेशन ऐसा एलिगेशन है कि इससे FIR को कॉग्निजिबल बना दिया जाता है। ये कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पहले 498 में इमीडिएट अरेस्ट होती थी, जितने लोगों के नाम होते थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी, जेल भेज दिया जाता था, पूरी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए महिलाओं द्वारा 498A के साथ जो है कॉग्निजिबल सेक्शन लगाए जाते हैं, इसीलिए 307 भी लगाया जाता है ताकि पति पक्ष के घर वालों की गिरफ्तारी वो सुनिश्चित करा सके, ठीक है। इसमें आपको 10 साल की सजा हो जाने वाली है 307 अगर लगवाती हैं। अब देखिए, दूसरी धारा जनरली ससुर के ऊपर लगाई जाती है और
जो है देवर के ऊपर लगाई जाती है वो 354 लगा दी जाती है या 376। कुछ निकृष्ट केसों में मेरे द्वारा देखा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट मैंने किया भी है, उसमें 376 भी ससुर के ऊपर और देवर के ऊपर लगाई गई है, जिसकी सजा बहुत हैवी है, आप सब जानते हो, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक के चांसेस हो सकते हैं। 354 छेड़खानी का मुकदमा है, इसमें आरोपी को जो है 1 से 5 साल की सजा हो जाती है। ससुर और देवर के ऊपर जनरली लगा दी जाती है कि इनके द्वारा मुझे किचन में पकड़ा जाता था, अलग अलग इशारे किए जाते थे, बदतमीजियाँ की जाती थी, ये सारे के सारे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं जनरली महिलाओं द्वारा। इस कंडीशन में भी, और ये सेक्शन इसलिए लगाया जाता है 354 वाला भी, कि FIR को संज्ञेय बना दे, महिला के अगेंस्ट कम्प्लीटली फैमिली वालों को कर दें और सीधे के सीधे जेल भेज दें, ये सारे के सारे सेक्शन इसलिए एड ऑन किए जाते हैं। 376 का मैंने बता ही दिया, उसमें लंबी पनिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 313 लगा दिया जाता है। जनरली महिलाएं कहती कि उनकी सास द्वारा या उनकी ननद द्वारा या उनके हस्बैंड द्वारा उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करा दी गई, जबरदस्ती उनको कुछ जो है गर्भनिरोधक गोलियां खिला दी गई या कोई ऐसा एस्पेक्ट कर दिया गया, किकआउट कर दिया गया, मार दिया गया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। वास्तविकता में प्रेगनेंसी हुई नहीं रहती है, लेकिन ऐसे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि मुझे आईपीएस वगैरह खिला दी गई जिससे मेरा जो है फीटस किल हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा होश जो है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हों, वो सब ट्रायल का विषय, कैसे क्या होता है। जनरली ये एलिगेशन भी महिलाओं द्वारा प्रूफ करना बड़ा कठिन हो जाता है और विवेचना के दौरान ही ये हट जाता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हुआ है, कहीं ना कहीं आप डॉक्टर को कंसल्ट की होंगी, डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट दी होगी, और वो मेडिकल रिपोर्ट प्रोड्यूस करने में महिलाएँ काफ़ी हद तक विफल हो जाती हैं, जो गलत होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन कि दैट नो वन इज़ पीड़ित फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन की 498 ए नहीं हो रहा है, मारपीट नहीं हो रही है, आई डू एग्री विद दिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट दीज थिंग्स आर गोइंग इन आवर सोसाइटी, बट वहीं पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं लेकिन उनको भी लगाया जा रहा है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली फॉल्स केसेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर महिलाएँ सोच रही हैं कि मैं उनका विरोधी हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू फ्रॉम दैट, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 313 गर्भपात का एलिगेशन लगा दिया, 10 साल की सजा हो जाएगी अबॉर्शन कराने के लिए, FIR कॉग्निजिबल बन गई, आप जो है बेल के लिए भागने की कोशिश करोगे, सारी की सारी कंडीशन इसमें हैरेसमेंट वाली है आपकी होने वाली है। उसके बाद अगला चीज़ क्या करती है महिला क्या करती है, 494 के एलिगेशन भी आपके केस लगा सकती है, अगर आपके द्वारा ऐसा किया गया है कि आपने बिना जो है पहली पत्नी को तलाक दिए हुए दूसरी शादी कर ली, अगर है तो बिल्कुल लगना चाहिए, इसके लिए 7 साल की सजा होगी। उसके बाद सबसे खराब आजकल 498 की FIR में जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि 377 के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, यानी कि अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हस्बैंड के ऊपर, जिससे FIR को कम्प्लीटली कॉग्निजिबल बना के 10 साल की सजा दिला दी जाए, अरेस्ट ताकि इमीडिएट इंश्योर हो जाए हस्बैंड की, इसलिए ये सारे के सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हस्बैंड के ऊपर। अब दूसरी चीज़ है, ये जो मैंने मोटे मोटे 10, 12, 15 सेक्शन आपको बता दिए, इसमें FIR होगी। उसके बाद जब ये सारे क्रिमिनल नेचर के मुकदमे लिखाने के बाद, अब महिला आपके अगेंस्ट क्या करेगी, क्योंकि उसको आपको शोषित करना है, प्रताड़ित करना है, हैरेस करना है, अगर उसने झूठे केसेस करने हैं तो। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन आएगी 125 CRPC में, वो आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी, मेंटेनेंस की डिमांड करेगी, ठीक है। हस्बैंड हो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट यू विल हैव टू डू फिजिकल लेबर फॉर पेइंग मेंटेनेंस टू द वाइफ, कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है कि आप हस्बैंड हो आप फिजिकल लेबर करो, आप कुदार चलाओ, जाके फावड़ा चलाओ, लेकिन आपको अपनी पत्नी को मिनिमम मेंटेनेंस जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप पति पत्नी वो हैं, उनकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस क्या हैं पति के प्रति और पति के परिवार वालों के प्रति, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर नो बडी इज गोइंग टू डिस्कस, बट बीइंग अ हस्बैंड आपको कुछ भी हो जाए उनको कमा के खिलाना है, नो बडी इज नो लुकिंग एट दैट मैटर, वो अलग का विषय है, उस पर हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद आपकी पत्नी आप मेंटेनेंस ले रही, अगर आप डाइवोर्स डाल रहे हो तो 24HA में हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस ले रही, डाइवोर्स डाल रहे हो उसमें मेंटेनेंस ले रही, पत्नी के पास बहुत सारे मेंटेनेंस के ऑप्शन हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में वो मेंटेनेंस ले सकती हैं आपके अगेंस्ट, DV का मुकदमा लिखा के रेजिडेंशियल राइट ले सकती हैं, चाइल्ड कस्टडी ले सकती हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं, बट बीइंग हस्बैंड आपके पास कुछ भी नहीं है एक तरीके से। अब सेक्शन 9 भी डाल सकती हैं, अगर आप उनको घर नहीं लेना ला के रखना चाह रहे हो तो सेक्शन 9 डाल दिया जाएगा कि आप
रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुरल राइट्स की फिर से आप अपने दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना करें, सेक्शन 9 भी आपके अगेंस्ट कर सकती हैं और सेक्शन 13 में वो आपके विरुद्ध डाइवोर्स केस भी दाखिल कर सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पत्नी आपके विरुद्ध कर सकती हैं। बतौर पति आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। हाँ, लेकिन एक चीज़ स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं एंड में बता रहा हूँ कि अगर जब भी आपको एप्रीहेंशन है कि आपके अगेंस्ट फॉल्स केसेस आपकी वाइफ कर सकती है, सिंपल सा आप एक इंफॉर्मेटरी पिटीशन CGM साहब के यहाँ सबमिशन में दे दीजिए। CGM साहब के जब आप इंफॉर्मेटरी पिटीशन सबमिशन में दे देंगे कि आपका जो है आपके अगेंस्ट आपकी वाइफ फॉल्स केसेस लिखा सकती हैं और हीनियस नेचर के क्राइम में मुकदमे लिखा सकती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप CGM साहब को दे दीजिए। इनको नोटिस नहीं जाएगी, जब भी ये फॉल्स केसेस लिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अरेस्ट सिस्टम में, एंटिसिपेटरी बेल में, उस पिटीशन की वजह से या FIR क्वेश्चन में हेल्प मिलने वाली है। और जब भी आपको एप्रीहेंशन है मुकदमे होने वाले तो पहले आप आगे बढ़ के मुकदमे कीजिए उनके खिलाफ। डरिए मत बिल्कुल भी, अगर डरेंगे तो एकदम कटेंगे। इसलिए बिल्कुल भी अगर आपके राइट्स इंफ्रिंगमेंट हो रहे हैं, आपके अधिकारों का हनन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको लड़ना चाहिए। यू शुड फाइट फॉर द राइट कॉज, दैट इज योर राइट। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई है और समझ आई। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। हो सकता है ये वीडियो आपको फेसबुक पर भी अवेलेबल मिले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।